जय हिंद। आज हम पधारे हैं अजमेर के केंद्रीकृत बस स्टैंड पर और यहाँ पर हम राज्य सरकार की एक विशेष योजना की पड़ताल करने पहुँचे। क्या योजना है राज्य सरकार की और किस तरह से हम इस योजना की पड़ताल करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। मेरा प्रश्न यह है कि इंसान की मूलभूत आवश्यकताएँ क्या हैं। आप लोगों का उत्तर होगा रोटी, कपड़ा और मकान। अगर मैं पूछूँ इन तीन महत्वपूर्ण इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं में भी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता, सबसे महती आवश्यकता किस चीज़ की है, तो आपका उत्तर होगा रोटी। इसी रोटी के लिए दुनिया चल रही है, इसी रोटी के लिए ये पहिए घूम रहे हैं और इसी रोटी के लिए हम और आप मेहनत कर रहे हैं। इसी रोटी के महत्व को समझकर विभिन्न धर्मों के स्थानों पर लंगर की व्यवस्था की जाती है ताकि इंसान को दो वक्त की रोटी मिल सके। राज्य सरकार ने भी इसी रोटी की महत्वता को समझते हुए एक विशेष योजना शुरू करी है। क्या योजना है हम आपको दिखाते हैं। ये है वो योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना। इंदिरा गांधी रसोई योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का प्रमुख उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए और यही कोशिश है कि हर व्यक्ति को कम रुपए में भोजन मिल सके। जैसा कि हमको यहाँ दिख रहा है कि मात्र 8 रुपए में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन देने की एक विशेष कोशिश राज्य सरकार द्वारा की गई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। किस तरह की योजना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह का वहाँ का वातावरण है और क्या क्या वहाँ पर हमें सुविधाएँ मिलने वाली है, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल में किस तरह की इस सुविधाएं वहां पर दी जा रही है, क्या सावधानियां बरती जा रही है, हम यही पड़ताल करने आज अजमेर के इस केंद्रीकृत बस स्टैंड पर पहुंचे हैं। देखते हैं कि किस तरह की विशेषताएं हैं। आइए चलिए हमारे साथ। तो हम पहुंच चुके हैं अजमेर के केंद्रीकृत बस स्टैंड स्थित एक इंदिरा रसोई स्थान पर, जहाँ पर लोगों को, अजमेर की जनता को स्वच्छ, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था की जा रही है। किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से लोगों को यहाँ भोजन परोसा जा रहा है, हमारी एमटीटीवी इंडिया की टीम भी यहाँ पर भोजन का स्वाद चखेगी कि किस तरह इसके यहाँ का भोजन है। उसमें जो बातें कही गई है कि पौष्टिक भोजन होगा और पूरी तरह से सावधानी रखी जाएगी, तो किस तरह का ये भोजन है, किस तरह से यहाँ लोगों को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत कैलोरी है 2500 की कैलोरी की जिसकी बात की जाती है WHO के द्वारा, क्या उस कैलोरी की जो पूर्ति है वो इस भोजन से हो सकती है या नहीं हो सकती और किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं इंदिरा रसोई में। तो हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से ये व्यवस्था है। वैसे तो अगर हम देखें तो कम पैसे में भोजन देने की व्यवस्था पिछली सरकारों ने भी चलाई थी, परंतु उस समय जो व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह से थी कि एक गाड़ी की व्यवस्था थी और उस गाड़ी पर ही लोगों को भोजन दिया जाता था, परंतु यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बैठकर लोगों को भोजन देने की व्यवस्था की गई है। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कोरोना काल के समय लोगों की जांच की जाती है ताकि लोगों को एक स्वस्थ माहौल के बीच में अंदर जाने का मौका मिल सके। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि अभी माहौल ख़राब चल रहा है और ये बहुत अच्छी जो इन्होंने, आप देख सकते हैं कि सभी का टेम्परेचर चेक करके ही उन्हें अंदर भेजा जाता है और साथ ही आप साथ पास में देख सकते हैं कि हैंड सैनिटाइज़र भी पड़ा हुआ है जिससे लोग हैंड सैनिटाइज़ करके लोगों को अंदर भेजा जाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा बाहर आएंगे तो बाहर हाथ धोने की भी पूरी व्यवस्था की गई है ताकि लोग अच्छी तरह से, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और जैसे हमने बताया कि मजदूर वर्ग होता है वो मेहनत मजदूरी करके आता है, तो यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था की गई ताकि हाथ वगैरह अच्छी तरह से धोकर वो अंदर जाए, अंदर जाके उनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जाता है और हाथ को सैनिटाइज़ किया जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। हमें एक कूपन मिल चुका है और 2 रुपये उसमें हमको बच चुके हैं, हमने 10 रुपये का नोट दिया था, 2 रुपये हमको बच चुके हैं और हमको कूपन में मिल चुका है। तो हम इस खाने को टेस्ट करते हैं कि किस तरह का खाना यहाँ पर दी जा रहा है और किस तरह की जैसी बात की जा रही है सुपाच्य पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है, गर्म खाना दिया जा रहा है। तो हम देखते हैं, देखिए अब सफाई भी लगातार चली जा रही है, बार बार सफाई होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पर कुछ लोग खाना खा रहे थे, उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर सफाई की गई है, व्यवस्था बहुत अच्छी है सफाई की। तो हम खाना खा के भी देखते हैं। इंदिरा
शानदार रसोई की एक प्लेट है जिसमें हमने तो अभी सिर्फ हम लोग इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसमें दाल सब्जी और रोटी भी थोड़ी कम ली है, क्योंकि हमको पता चला है कि 250 ग्राम इसमें रोटी दी जा रही है और शायद 3 से 4 रोटियां इसमें आती है, पर हमने अभी सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से ही अभी हमने ये रोटी इतना सा ही खाना लिया है। तो हम खाना की शुरुआत करके देखते हैं कि किस तरह से कितना क्या पौष्टिक खाना है, कितना पौष्टिक है और किस तरह से, क्योंकि हम मेरे छूके में देख सकता हूँ कि ये रोटी गर्म है, वास्तव में रोटी गर्म है और जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पकी हुई रोटी है, बहुत अच्छी तरह से पकी हुई रोटी है। सब्जी में भी जिस तरह से ऊपर तेल तैर रहा है, अगर सब्जी में तेल तैर रहा होता है तो उसका मतलब होता है कि सब्जी को बहुत अच्छी तरह से पकाया गया है। साथ में हम देख सकते हैं जिसमें 4 चीज़ें कही गई है, रोटी, सब्जी, दाल और अचार, वो चारों चीज़ें हमको यहाँ दिख रही है। तो अब हम खाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का खाना है ये। रोटी भी मुलायम है, अच्छे आटे का उपयोग किया गया है, इस चीज़ से हमको पता चलता है। दाल भी हमको पानी जैसी नहीं दिख रही, जैसे घर में हमारी दाल होती है बिल्कुल गाढ़ी दाल, वैसी दाल यहाँ पर दिखने को मिल रही है। खाना भी बिल्कुल प्रॉपर है, नमक भी बिल्कुल प्रॉपर है, मिर्च मसाले भी बिल्कुल प्रॉपर है और दाल गर्म भी है। साथ में आज गट्टे की सब्जी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। गट्टे भी ढंग से गले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ काम चलाने के हिसाब से गट्टे बनाए हुए हैं। इसकी ग्रेवी भी अच्छी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हर तरह से दाल और सब्जी एमटीडीवी इंडिया की पड़ताल में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरह से इसको पकाया हुआ है। हम इस खाने का आनंद लेते हैं। तो जैसा आप लोगों ने देखा, हमने खाना खाया और एमटीडीवी इंडिया की पड़ताल में खाना वास्तव में पौष्टिक था, सुपाच्य था और अच्छा खाना था। जैसा कि एक व्यक्ति घर में खाना खाना चाहता है वैसा ही खाना था। खाने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती गई थी, प्रॉपर पका हुआ खाना था। रोटी भी हमने देखी गर्म थी, सब्जी भी हमने देखी गर्म थी, जो बातें कही जा रही थी उन सभी बातों का ध्यान रखा गया था। यहाँ पर भी हमने देखा सफाई भी व्यवस्था पूरी है। अब हम इस रसोई के संचालक से बात करते हैं कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं हमारे मन में जो कि आम जन तक पहुँचने भी ज़रूरी है, तो हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए सबसे पहले। सर, मेरा नाम नीरज शर्मा है और समस्त राजस्थानियों को मेरा खमागणी और भारतवासियों को मेरा राम राम। देखिए नीरज जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि एक दिन में, क्योंकि बेसिक चीज़ यही है, कितने लोग यहाँ आते हैं, एक विशेष चीज़ को देख के बनाया गया था, कितने मजदूर है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कितने लोग एक दिन में आपकी इस रसोई में, आपकी पर्टिकुलर जो केंद्रीय बस स्टैंड पर जो आपकी रसोई है, इंदिरा रसोई है, यहाँ पर एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं एक दिन में? सर देखिए, हमें एक टाइम का टाइम वो टारगेट दिया गया है, 300 मेंबर दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से 300 मेंबर तो नहीं हो पाते, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो 250 मेंबर के आसपास हो जाते हैं, 200-250 डेली हो जाते हैं मेंबर, ये मेंबर्स हमें हो जाते हैं 250 मेंबर। तो अभी जैसे कि सफाई व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा हमको कहा गया है कि जितनी भी रसोईयां होगी, ऐसा पता चला है कि जितनी भी रसोई बनाई गई है सरकार के द्वारा, उन सभी में सफाई व्यवस्था की विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। तो यहाँ पर सफाई के लिए किस तरह की विशेष व्यवस्था रखी जाती है, कितनी बार सफाई होती है, किस तरह से होती है? जी डेली दो बार सेशन चलता है यहाँ पे, सुबह का और शाम का। तो सुबह शाम को स्वीपर यहाँ पे बिल्कुल सफाई करके जाता है और शाम को भी सफाई होती है, ऊपर से सैनिटाइज किया जाता है पूरे हॉल को, डाइनिंग हॉल को। उसके अलावा यहाँ पे सैनिटाइज़र लगाया हुआ है, उसके अलावा हम सैनिटाइज़ करवाते हैं और उसके अलावा स्क्रीनिंग होती है, सब कुछ होता है सर, पूरा सैनिटाइज़ किया गया है इसको। तो आप अजमेर की जनता को बताना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति इस सुविधा का लाभ लेना चाहे तो किस समय तक ये रसोई खुली रहती है, पूरे 24 घंटे खुली रहती है, किस तरह की व्यवस्था है? जी सर, रसोई सुबह 8:30 बजे से 3 बजे तक और शाम को 5 बजे से 10 बजे तक खुली रहती है, जब चाहे आप लाभ लेने आ सकते हैं, हम आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। अच्छा, इस जैसे कि हमने देखा कि अभी आपको शुरू में दिखाया कि हम जब यहाँ पर आए और यहाँ पर हमारे कुछ चेकिंग वगैरह की गई, हमारा नाम वगैरह पूछा गया, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई आम जन यहाँ आता है, कोई व्यक्ति आता है, तो उसको किन किन दस्तावेजों को लेके यहाँ आने की आवश्यकता है? यहाँ सर किसी दस्तावेज को लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आपका नाम जाना जाएगा, आपकी एज जानी जाएगी और एक फ़ोटो क्लिक की जाएगी, और उसके अलावा कोई मैंडेटरी नहीं है। और इसके अलावा मैं अंतिम चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये पूरी चीज़ें तो हो रही है यहाँ पर सरकार तक ये सभी जानकारियाँ किस तरह से पहुँचती हैं, क्या कोई विशेष ऐप, कोई विशेष वेबसाइट, कोई विशेष व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है जिससे कि जितने भी लोग यहाँ खाना खा रहे हैं उसकी सही और सटीक जानकारी सरकार तक पहुँच सके?
पहुंची सर यहाँ पे, ये सरकार के द्वारा इस तरह पहुंचती कि यहाँ पे SSOID है जो गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा डेवलप की गई है, साइट डिज़ाइन की गई है इंदिरा रसोई के नाम से SSO कर जो हमें प्रोवाइड की गई है। और इसके द्वारा जो भी व्यक्ति खाना खाता है उसकी ऑनलाइन जो डिजिटल उसकी मार्किंग होती है कि भाई ये इंसान आज खाना खा के गया है, उस हिसाब से हम डिजिटली ये जितने भी लोग यहाँ पे खाना खाते हैं उनकी ऑनलाइन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि इतने लोगों ने आज खाना खाया और उनकी डिटेल गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट तक पहुँच जाती है। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीकृत बस स्टैंड उपस्थित इंदिरा रसोई के संचालक नीरज जी, और हमने देखा, हमने खुद ने भी खाना खाया इंदिरा रसोई में जाकर, खाना सुपाच्य था, पौष्टिक था। और परंतु सबसे बड़ी बात एक इस इंदिरा रसोई को देख के ये आती है कि इस तरह की व्यवस्थाएं पहले भी कई राज्यों में शुरू की गई थी, कई राज्यों में इस तरह की संचालन किया गया था। अभी वर्तमान में हमने जो खाना खाया है, जिस तरह से खाना खाया है, हमको बहुत अच्छा लगा। वास्तव में अगर एक व्यक्ति को इस तरह का खाना 8 रुपये में मिलता है दिन में 2 टाइम, 16 रुपये में वो अपना दिन का भरपेट खाना यहाँ खा सकता है। जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ 5 रोटी दी जाती है, खैर हमने सिर्फ टेस्ट करने के हिसाब से भी खाना खाया था तो इसलिए हमने 1 रोटी दी, बाकी हमको पता चला कि यहाँ पर लगभग 5 रोटी दी जाती है, साथ में दाल सब्जी आपने देखा कितनी अच्छी तरह से और कितना भर के दी गई है, तो एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट होता है कि हाँ इतना खाना उसको दिया जाए। अंतिम रूप से आशा यही की जाती है कि इस तरह की जो व्यवस्था है ये कंटिन्यू चलती रहे, निरंतर चलती रहे, क्योंकि इतना अच्छी जो व्यवस्था की गई है, ये अजमेर की जनता, अजमेर का राजस्थान की जो मजदूर वर्ग है जिसके लिए खाना सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उनको मेहनत करनी होती है, उनके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू की गई है। ऑटो वाला, ऑटो चलाता हूँ मैं, रोज़ खाना खाता हूँ यहाँ पर, अच्छा खाना, बढ़िया खाना, दोनों टाइम गर्म खाना मिलता है। क्या सफाई की व्यवस्था रहती है? सफाई एक नंबर सफाई है भाई साहब। और आपको जो खाना दिया, गिलास से लेके जग से लेके थाली से लेके एक नंबर सफाई है। आपको जो खाना दिया जाता है गर्म खाना दिया जाता है, एक नंबर क्या है कि पौष्टिक खाना दिया जा रहा है, गर्म गर्म चपाती जैसे घर पे खाना बनता है ना वैसा खाना यहाँ मिल रहा है। तो आप संतुष्ट हैं इस 8 रुपये में जो इंदिरा रसोई की व्यवस्था शुरू की गई? गरीब आदमी और क्या चाहिए 8 रुपये में, और क्या लोगे आप? कुछ समय पहले पिछली सरकार ने भी एक व्यवस्था शुरू कर दी जिसमें एक गाड़ी पर खाना दिया जाता था, उसकी भी रेट ये थी, तो इसमें और उसमें आपको क्या ज़्यादा बेहतर लगा? वो पानी वाला खाना था, उसमें ये गर्म गर्म खाना है, अब गर्म गर्म चपाती, गर्म गर्म रोटी, गर्म गर्म सब्जी, ठंडा पानी, डी फ्रिज लगा रहेगा, पंखा लगा रहेगा, बैठने की सुविधा देखो आप, खुद देख लो आप। तो ये सुविधाएं आपको ज़्यादा बेहतर लगी है, माकूल लगी है अभी ये व्यवस्थाओं को देखते हो और जितनी भी इन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी है कोरोना को संबंधित लेकर, एक आम आदमी के हिसाब से आपको सभी सुविधाएं सबसे अच्छी सुविधा लगी वहाँ? उसमें खड़ा होकर धूप में खाना पड़ता था, वहाँ टेबल लगाते वहाँ धूप में खाना पड़ता था, यहाँ बैठ के खा रहे हम खाना।